कंगना, शाहिद, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कपिल, थैंक यू। मैं पहली बार आपके इस नए सेट पर आ रहा हूँ। आप पहली बार उड़ता पंजाब के टाइम पे आप आए नहीं थे जी। आपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको बुला लिया, मुझे आपने बुलाया नहीं। आपने बोले पागल टॉमी सिंह टाइप का आदमी, कुछ भी हरकत कर रहे। मुझे भी आपका सेट बहुत खूबसूरत लगा। थैंक यू। और मैं भी काफी दिनों बाद आ रही हूँ। और सिद्धू जी, आपके लिए बहुत सारा प्यार। आपको ये जो आपको ऐसे किस आई ना, सारी इलेक्शन की थकावट उतर गई होगी आपकी। मैं साथ में आसमान पे चला गया। देखो, उनको तो सेट अच्छा लगता है जी, मुझे उनके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे सच्चे चाहने वाले हैं, आपकी तरह नहीं। उठाकर घूंघट महफिल में सरेआम कत्लेआम कर दिया। ओह, हमने बहारों को, चांद सितारों को आपकी पलकों के नाम कर दिया। बुझ रही थी शमा दिल में इंतजार की, आहिस्ता आहिस्ता आपके जलवाए दीदार ने आग में घी का काम कर दिया। आग तो अभी लगेगी, अमृतसर जाएंगे जब। क्यों? ये जो शेर निकलते ना आपके, रंग में भंग डाला ही कर तू। मैं रंग में भंग डाल रहा हूँ, शाहिद के लिए कोई शेर नहीं। कुछ नहीं भाई, हम लड़कों के साथ हमेशा नाइंसाफी क्यों होती है? पता नहीं क्यों पाजी। आई लव यू, आई नो यू डोंट लव मी। शेर आप... चला करते हैं। अच्छा, खुददार चला करते हैं, सर ऊंचा करके शाहिद जैसे कौम के सरदार चला। ओए, ओए, ओए। ये शेर एक्चुअली पाजी ने अपने लिए रखा हुआ था। हाँ। आज आपके लिए ठोक दिया। अच्छा, वहां तो चांद तारे खूबसूरत वादियां नाम, हमारे टाइम पे मूछें ऊपर करके, मतलब भैया देखा तूने झूठ बोला। ठा, मैंने झूठ नहीं बोला, ये किसी की साजिश है। कंगना, शाहिद, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। विद्यावती बच्चों की टीचर, विद्यावती जी, आपको मैंने वैलेंटाइन डे वाले दिन बहुत मिस किया। नहीं, ऐसा वैसा मत समझिए, वो चार पांच बॉयफ्रेंड्स के लिए आपसे रोमांटिक शायरी लिखवानी थी ना। हेलो कंगना जी, आई एम विद्यावती टीचर। हेलो, डरिए मत, मैं असली हूँ। मैं बिल्कुल नहीं डर। मैं असली हूँ। शाहिद जी, आपके लिए कुछ खास लाई हूँ, पता है? लेकिन शाहिद, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बहुत 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 नाराज हूँ। मुझे आपसे तलाक चाहिए। तलाक लेने के लिए तो शादी करनी पड़ती है। I don't mind. पहले शादी कर लेते, तलाक का देखते रहेंगे। ठीक है ना कंगना जी? और वैसे आपसे भी एक बात पूछनी थी मुझे। आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं आप एक कपड़ा दो तीन बार से ज्यादा तो नहीं पहनती होंगी ना? तो वो कपड़े अगर आप किसी मजबूर बेसहारा को दे दें तो? कौन मजबूर और बेसहारा? मैं? अरे, मेरी सारी तनख्वाह है ना इस जोड़े को पालने में निकल जाए। मैंने 8 साल लगाए, इसे बड़ा किया है मैंने, पाल पोस कर, बहुत पैसे खर्च होते हैं। इससे अच्छा तो नींबू का पेड़ लगा लेती ना, बड़ा होकर संतरे का बन जाता वो। इतना जुड़ा कौन पालता है? ऐसी स्टूपिड टीचर है, पता कि बच्चे पूछते मैम अलजेब्रा क्या होता है, कहती जेब्रा का बड़ा भाई। पागल। देखिए, ऐसे बात करता है मेरे से? इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है कंगना जी, क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ बदलूंगी, अब मैं हीरोइन बनूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ओके कंगना, मैं आपको हेल्प करता हूं, मैं आपको सुनाता हूं। इस तरफ आ जाइए कि शायद वहीं से सुन लेंगे, नहीं तो। ओके, सो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। पहला गाना चले। आदाब, मेरा दिल, मेरी जान, धड़कन, आंखें, दिल चीज क्या है आप मेरी। देखिए, वो कर रही है मेरे लिए, लेकिन आपको फील हो रहा है। इतना ब्यूटीफुली कंगना ने वो किया है कि मुझे भी पता चल गया वो गाना कौन सा है। इन्होंने ठीक बताया कि नहीं? इन्होंने बहुत गलत बताया, क्योंकि सिद्धू साहब ने गलत आगे हिंट दे दी। मैंने बताया।
अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था ये बहुत डिफिकल्ट है यार, इतना खूबसूरत है किसी को भी पता चल जाए। अच्छा मैं नीचे बैठा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेखा जी गा रही है और मैं साथ में तबले वाला नहीं। ओके वन मोर। दीदी तेरा देवर दीवाना। हम आपके कौन? दीदी तेरा देवर दीवाना। क्या बात है, अच्छा वैसे इस फिल्म में तो शाहिद हैं, सैफ भाई हैं, दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर आप अकेले भी वैसे फिल्म चला लेती हैं, तो आपको हम लड़कों के भरोसा नहीं है? वैसे हमारे लड़कियों के बिना लड़कों ने इतनी साल फिल्में चलाई हैं, तो क्या आप लोगों को हमारा भरोसा नहीं था? नहीं, हमें बहुत ज्यादा भरोसा है। नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से लोग कहते नहीं थे, बट फिल्में तो हमेशा लड़कों और लड़कियों की वजह से ही चली है। अगर हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री ना हो और उनके परफॉर्मेंस ना हो तो कोई फिल्म नहीं चलती। नहीं तो ये जो कीचड़ वाला सीन जैसे, इसमें लड़का लड़की दोनों की रिक्वायरमेंट। अब यार अब इंसान कीचड़ में पहुंच चुका है तो दो लड़के भी हों तो की फर्क पैंदा पाजी। एक्चुअली मैं दिल से बोलना चाहूंगा, कंगना ने जब तनु वेद मनु रिटर्न में इतना अच्छा खूबसूरत किरदार आपने निभाया है, उसमें कंगना ने दो किरदार निभाए हैं, एक टिपिकल हरियाणवी स्पोर्ट्स वुमन का बड़ा ही मजेदार करेक्टर है। कंगना अगर हम आपको कोई भी डायलॉग दें ऐसे उसको हरियाणवी में, आप बड़ी प्यारी लगती है वो बोलते हुए, एक एक बड़ा ही पॉपुलर डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, जो भी आपका दिल करे अपने हिसाब से, उसी एक्सेंट में, बड़ा मजेदार था। ए छोरे रमेश, तने सिंदूर की कीमत मालूम कोनी, ये कोई एक चुटकी नमक कोनी जो मांग में भर के गोलगप्पे का टेस्ट लेवेगा। तारी टीचर लगे तमार जैसी, मैं तारी टीचर नासू, और नाम तुआरी कुसुम सैजवान, यो हमारा सेला दिनेश अमरामदास का दिल से पढ़ो स्पोर्ट करते एडमिशन लिया दिया जाता 12-45-04 नेशनल लेवल के ब्यूटीफुल सर फोन नंबर में चढ़ते दे दो। ये आप गलत फिल्म में घुसाई हैं, यहाँ से रिटर्न लीजिए आप। रिटर्न रिटर्न करके अवार्ड भी ले लिया मन्ने, लगता है फिल्म में देखी तन्ने है, तन्ने वेट मन्ने। बात करते देखो भी मारी फिल्म में मारे दूल्हे के साथ यो मैडम ने शादी कर ली। ओह मैं तो कुंवारी रह गई। मैडम आप तो क्वीन में भी रिश्ता टूटने के बाद भी हनीमून पे हो आए। हाँ जी। मन्ने ना नसीब आए दिन। हाँ? अभी भी मैं कुंवारी हूँ, लेकिन मैं सुने है कि इस फिल्म में भी आपके दो दो हीरो हैं। जी जी, हीरो जी, जी, जी। एक तो आज मैं लेके जाऊँ, क्या बोलो? नहीं ये क्या, एक लेके जाऊँ, गरीबों में स्वेटर बन रहे हैं इधर आके, आप एक ले जाएंगे, क्या हो रहा है? साई जी मेरी बात सुनो, मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ आई लव यू, जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो। I love you too. देखो, हो गया? पर इनकी I love you too में इनकी साफ साफ ना है। मारे और इनके बीच में तन्ने बड़ा साथ के साथ खड़ बन के बोलन से बीच में। साई जी, हमारे साथ एक डांस कर लो। हाँ जी। जो हमारे से इंप्रेस नहीं होगे, अमन ने कह दियो गो। अब एक क्या, मैं दो तीन चार, आप जितने बोलो मैं करूंगा आपके साथ डांस। चलो ठीक है फिर, रेडी भी एक मिनट। ठीक है। म्यूजिक। ये क्यों खा रही हैं आप? बजट कम है, तुम्हारा दांत नहीं है। मैडम आपके पिताजी भी पागल थे कि आप अकेली हैं? ये क्या कर रही हैं आप, जहाँ सारी जुए आपकी वहां पे गिर रही निकल निकल के। मारी गलती नहीं, डॉक्टर ने मन्ने में एक ओवर दिए सू, अब बेइज्जती होगी, मैं जाऊं सू। तो हॉकी तो लेके जाओ अपनी। सो गुड यार, यू डिड सच अ गुड जॉब।
कंगना, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं, और शाहिद भाई आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं. फिल्में तो आपके लोग देखते ही हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया. शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप क्यों नहीं रहते सोशल नेटवर्किंग पे? आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को. उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें. जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं ये और बात. मतलब कंगना ट्विटर, फेसबुक, पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन लोगों, इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से. हमारा गेम हो ही नहीं रहा शुरू. गेम हो ही नहीं रहा. ए, बहुत गंदी बातें कर रही हो तुम. इससे ज्यादा गंदा बात शाहिद जी हमसे किए थे एक बार. क्या किया था? किया था, हमको बोले डर्टी. तो बात तो गंदा ही हुआ ना. आज हम आपसे वापस गंदा बात करना चाहते हैं. करो. नहीं, गंदी बात करेंगे. आप आइए यहाँ पे, आपके साथ गंदी बात करेंगे. अच्छा, मैं बहुत अच्छा डांस किया शाहिद साहब आपने. अच्छा, मैंने खबर पढ़ी थी थोड़े दिन पहले जी, केरल में एक हाथी ने दारू पी के उत्पात मचाया. आज मैंने देख लिया. क्या भी ज्यादा हो रहा है. मैंने तुम्हें कुछ कहा? हाथी तेरे को बोल रहे हैं, बस इतना ही है. इतना ही है पर बस एक चीज गलत हो गई, जो सूंड तूने पीछे कर ली. हमारा तो गंदा बात हो गया हमको से. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.